कम बैक टू माय चैनल। बात करें यहाँ आईपीओ की, नाम है प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड आईपीओ। ये आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया, ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और खासकर हम जैसे आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर पार्टिसिपेशन देखने को मिला। और साथ साथ में बात करेंगे आईपीओ की, तो आज इस आईपीओ का अलॉटमेंट है, देखेंगे आज लाइव अलॉटमेंट स्टेटस क्या चल रहा है इस आईपीओ के अंदर और किसका कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। और साथ साथ में ये भी देखेंगे आज यानी अलॉटमेंट के दिन इस आईपीओ के अंदर करीब करीब 40 से 50 हज़ार तक का प्रॉफिट देखने को मिला है। सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज डिस्कस कर रहे हैं प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड आईपीओ के लाइव स्टेटस के बारे में। फिलहाल देखा जाए ये आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया, जबरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। बात करेंगे इसके अंदर सब्सक्रिप्शन की, तो क्यूआईबी के जरिए यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के जरिए इसके अंदर करीब करीब 70 टाइम हुआ सब्सक्राइब हुआ और 481 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट लगता हुआ देखने को मिला था। और साथ साथ में नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स करीब करीब 220 टाइम वर सब्सक्राइब हुआ, कह सकते हैं 320 में से किसी एक को ही मिलेगा और 1646 करोड़ तक का अमाउंट भी लगता हुआ देखने को मिला। और इसी के साथ में बात करेंगे रिटेल की, तो रिटेल भी सबसे ज़्यादा पैसा रिटेल का ही लग रहा है एसएमई आईपीओ के अंदर और इसके अंदर 179 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुए, कह सकते हैं 179 में से किसी एक को ही आईपीओ मिलेगा और अमाउंट भी करीब करीब 2150 करोड़ तक का अमाउंट भी रिटेल का ही लगा हुआ है। ओवरऑल अगर आईपीओ देखा जाए तो करीब करीब इसके अंदर 178 टाइम आईपीओ फुली ओवर सब्सक्राइब हुआ, जिसके अंदर 4276 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट लगता हुआ देखने को मिला। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन चला गया। डे बाई डे की बात करते हैं तो फर्स्ट डे इसके अंदर 11 तारीख को था और 13 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। मैंने 11 तारीख को वीडियो के माध्यम से कहा था इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लो, ये आईपीओ के अंदर भी अच्छा पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और करीब करीब सेकंड डे 49 टाइम आया और थर्ड डे कल इसका आखिरी दिन था 179 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। चलो आईपीओ के और भी क्या अपडेट है साथ साथ में वो भी देख लेंगे, उससे वो कहूँगा वीडियो को एक लाइक करते चलो। ईपीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड आईपीओ के शेयर्स ऑफर के बारे में, इसके ऑफर को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि 36 करोड़ के इस आईपीओ के अंदर करीब करीब 4,200 करोड़ तक का अमाउंट देखने को मिला। फिलहाल देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर के जरिए आईपीओ स्टार्ट होने से पहले ही करीब करीब इसके अंदर 28% यानी 10,25,00,000 तक का अमाउंट आ चुका था। मार्केट मेकर का भी रखा गया था 5% करीब करीब 1,80,00,000 का। फिलहाल उसके बाद बात करेंगे क्यूआईबी का, तो उसके अंदर 19% था, जिसके अंदर 6,84,00,000 रुपया रखा गया था सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबी के लिए, और एचएनआईस के लिए 14% रखा गया था। ध्यान देने की बात यह है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट जो आया है वो रिटेल का आया है और सबसे ज़्यादा 34% रिटेल का रखा गया था, करीब करीब 11 से 12 करोड़ तक का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ रिटेल का। तो नहीं कह सकते रिटेल का ज़्यादा चांसेस रहेगा इसके अंदर आईपीओ मिलने का। चलो और भी क्या अपडेट है साथ साथ में वो भी देख लेंगे, उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते चले और बेल आइकन की बटन दबाते चले। ईपीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड आईपीओ के 22 टाइम टेबल के बारे में, फिलहाल ये आईपीओ मंडे को स्टार्ट हुआ था और कल के डेट में आईपीओ यानी 13 मार्च को आईपीओ क्लोज भी हो गया। आज इसका बेसिक अलॉटमेंट है, आज थर्सडे है, आज 14 मार्च है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर भी विजिट करके चेक कर सकते हैं। कल यानी 15 मार्च को ये डीमेट अकाउंट में आएगा, जिनको नहीं मिला है उनको रिफंड भी हो जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है 18 तारीख यानी 18 मार्च मंडे का दिन रहेगा, जो आईपीओ की लिस्टिंग रहेगी, लिस्टिंग गेन किस तरह लिया जाए, लिस्टिंग के दिन क्या करना चाहिए वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और साथ साथ में आज बात करेंगे इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग की, तो 100% इसके अंदर यानी प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट आईपीओ के अंदर 100% ओपीओ प्रमोटर की होल्डिंग थी, अब इसके अंदर करीब करीब 72-73% तक की होल्डिंग हो जाएगी। एक एसएमई आईपीओ था, जबरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। चलो साथ साथ में और भी क्या अपडेट है वो देख लेते हैं। प्रथम ईपीसी लिमिटेड आईपीओ के बारे में, फिलहाल देखा जाए ये आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया, आज इसका अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट चेक करने के लिए लिंक इन टाइम की वेबसाइट के ऊपर आना होगा। ये वेबसाइट भी अपना आईपीओ चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई और साथ साथ में डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर भी विजिट करके चेक कर सकते हैं। चेक करने का सिंपल तरीका है इसके अंदर, जैसे इससे पहले जो आईपीओ आए हुए हैं अभी तक इसके अंदर अपडेट नहीं आया है, शाम में 5-6 बजे तक अपडेट आ जाएगा। फिलहाल पैन कार्ड नंबर, एप्लीकेशन, डीपी नंबर और साथ साथ में आईएफएससी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि पैन कार्ड नंबर से ही चेक करें, जो सबसे बेस्ट रहता है पैन कार्ड नंबर। और साथ साथ में चेक करने का सिंपल तरीका है इसके अंदर यही है कि अपना पैन कार्ड नंबर, जैसे मैं अपना पैन नंबर इंटर कर रहा हूँ और साथ साथ में नंबर भी इंटर कर रहा हूँ और सबमिट कर दूँ। अगर मुझे मिलेगा तो लिख कर आएगा अलॉटेड, अगर नहीं मिले तो लिख कर आएगा नॉट अलॉटेड, इस तरह लिख कर आएगा। इस तरह अपना आईपीओ चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते चलो, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलो। ईपीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड आईपीओ के डे बाई डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, जैसे मैंने बताया ये आईपीओ स्टार्ट हुआ था 11 तारीख को और 13 तारीख को आईपीओ क्लोज भी हो गया और आज है 14 मार्च 2024, आज इसका अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट चेक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम
से चेक कर सकते हैं और साथ साथ में वेबसाइट पे विजिट करके भी चेक कर सकते हैं। 75 रुपीज़ का ये आईपीओ और आज के डेट में 100 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, यानी 25 रुपये का प्रॉफिट है। स्टार्ट में ये आईपीओ के अंदर डबल पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा था, 86% पर स्टार्ट हुआ था, सॉरी 46% पर स्टार्ट हुआ था और 86% इसने हाईएस्ट लगा लिया था। और आहिस्ता आहिस्ता गिरे मार्केट में भी तेज़ी बनती गई, लेकिन मार्केट में 2 दिन से ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, जिसका असर डायरेक्ट एसएमई आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे देखने को मिला। फिलहाल देखा जाए तो अभी भी इसके अंदर 33% पे ट्रेड कर रहा है और उम्मीद की जा रही है इसके अंदर ज़बरदस्त पैसा बनता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसा भी रुझान रहा डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते चलें।